जिस बेटी को गोद लेकर सहारा दिया, माँ बाप का प्यार दिया, हर जरूरत पूरी की, उसी कलयुगी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर माँ बाप की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उस हत्यारोपी बेटी ने भाई को भी मारने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद खुद को बचाने के लिए पुलिस के सामने ड्रामा करती रही, लेकिन पुलिस के सामने ज्यादा देर तक उसकी नौटंकी टिक नहीं सकी और सच सामने आ गया। EWS कॉलोनी में माँ बाप को गला रेत कर मारने के लिए बेटी ने अपने प्रेमी का सहारा लिया था। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ पुलिस कमिश्नर और पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल बारीकी से शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा कर दिया। युवती को हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके प्रेमी को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। दरअसल मूल रूप से खागा फतेहपुर निवासी 61 वर्षीय मुन्ना लाल उत्तम बर्रा 2 EWS कॉलोनी में परिवार के साथ रह रहे थे। परिवार में 55 वर्षीय पत्नी राजदेवी के अलावा बेटा अनूप उत्तम और गोदली हुई बेटी कोमल है। एक साल पहले मुन्ना लाल फील्ड गन फैक्ट्री में सुपरवाइजर पद से रिटायर हुए थे। सोमवार देर रात बेटी कोमल ने अपने प्रेमी रोहित के साथ मिलकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल सोमवार को कोमल ने अपनी साजिश के तहत माता पिता और भाई को कीटनाशक मिलाकर जूस पिला दिया। जब सभी बेहोश हो गए, उसके बाद देर रात में अपने प्रेमी रोहित को फोन कर घर पर बुला लिया। हत्यारोपी रोहित उसके घर पहुंचा और माँ बाप की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में कोमल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि संपत्ति को लेकर उसने रोहित के साथ मिलकर माता पिता को मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी ने बताया कि वह अपने भाई को भी जान से मारना चाहती थी, मगर उसने गेट नहीं खोला, जिसकी वजह से अनूप बाल बाल बच गया। मुन्नालाल के घर के दाई ओर रहने वाले मनीष मिश्रा के घर के बाहर लगे CCTV कैमरे के DVR को पुलिस अपने साथ ले गई थी, जबकि मुन्नालाल के बाई ओर रहने वाले अभिषेक कुमार के यहाँ पुलिस ने CCTV कैमरा देखा तो सफेद रंग का कपड़ा मुंह में लपेटे आरोपी रोहित देर रात करीब 12:52 पर घर में जाते और फिर वहाँ से 2:10 पर बाहर निकलते देखा गया। ये संदिग्ध गली की एक ओर से अंदर घुसा और दूसरी ओर से बाहर निकला। जब वह घर में दाखिल हुआ था तो उसके हाथ खाली थे, मगर बाहर निकलते वक्त उसके हाथ में एक झोला था। दंपति की हत्या घर में ही रहने वाली उनकी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। बेटी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, जबकि आरोपी प्रेमी की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं। पुलिस का दावा है कि हत्यारोपी प्रेमी को भी जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये बर्रा थाना क्षेत्र में EWS कॉलोनी है। यहाँ पे कल रात में एक घटना हुई है। घटना का समय लगभग 12 से 3 बजे का है। इसमें ये मुन्ना लाल है, ये अपने घर में सोए हुए थे और इनके घर में उनकी पत्नी और एक बेटा और बेटी रहती है। ये चार लोग थे। इसमें रात में इनका जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पे उनके लड़के द्वारा बताया गया है कि इनके लड़के के ससुराल वालों से, मायके वालों से, पत्नी से इनका विवाद चल रहा था और उसी विवाद को चलते ये घटना उनके द्वारा कारित की गई है। अभी हमारे पास नामजद तहरीर दो लोगों के विरुद्ध प्राप्त हुई है और घटना के बारे में ये बताया गया है कि 12 से 3 बजे के आसपास इनके घर में दो लोग नोन और एक अज्ञात अंदर घुसे और उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसके बारे में और सभी चीज़ों पे, सभी एंगल्स पे गहनता से छानबीन की जा रही है। CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्य भी संकलित किए जा रहे हैं मौके पे। फील्ड यूनिट और ने भी अपने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण की है। पुलिस की कई टीमें लगाई गई है और शीघ्र ही इस संबंध में घटना का खुलासा किया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में आपको अवगत। सर, घटना की कैसे गई है, किस तरह हत्या की गई थी? इसमें इनको गला रेत के इनकी हत्या की गई है और इसके बारे में और चीज़ों को हम
ये रंजिश का एंगल अभी तक एक सामने आया है और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास आए हैं, उसके आधार पर जल्दी ही हम लोग निष्कर्ष। सर एक आखिरी सवाल कि घर में जब हत्या हुई थी उस वक्त कौन कौन था? घर में चार लोग थे, इनका बेटा जो है ऊपर टेरेस पे सोया हुआ था और बेटी जो है उसी कमरे में थी और पति पत्नी भी उसी कमरे में थे, एक दो बगल में छोटे कमरे हैं उसी में ये लोग सब सो रहे। किसकी पत्नी से विवाद बताया गया, किस बेटे की? जो इनका बड़ा बेटा है उसके पत्नी से इनका विवाद चल रहा था और उसी विवाद को चलते ये घटना किया जाना इनके द्वारा अपनी लिखित तहरीर में बताया गया। टाइम 24 न्यूज के लिए कानपुर से अंकित सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।